हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से बात करने वाली हूँ पिंकी, विकास और सोनू के बारे में। पिंकी का फाइनली जो है विकास के साथ डिवोर्स हो गया है, दोनों अलग हो गए हैं। और आज पिंकी का वीडियो भी आया है, उस वीडियो को मैंने फुल वॉच किया है। 4 मिनट का वीडियो था। तो क्या सच में ये नाटक कर रही है पिंकी, या कुछ व्यूज का खेल है, या रियल में है, इसी को पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज पिंकी का वीडियो आया जिसमें पिंकी जो है बोल रही थी कि विकास जी का पैकिंग हो गया है, अब वो घर छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आप सबको सुनाने वाली हूँ कि पिंकी कितना बड़ा ड्रामेबाज है। पिंकी इतनी बड़ी झूठी है, विकास और पिंकी कभी भी अलग हो ही नहीं सकते। इसका रीजन है कि पिंकी को सिर्फ विकास से प्यार था, क्योंकि पिंकी जो है विकास की असलियत जानती थी। पिंकी विकास के बारे में सब कुछ जानती थी कि ये आदमी जो है पहले से ही शादीशुदा है, जिस आदमी से मेरी शादी हो रही है वो पहले से ऑलरेडी बाप बना हुआ है। तो पिंकी फिर भी सब कुछ जानते हुए भी शादी किया। तो आज की वीडियो में पिंकी जो है बोल रही थी विकास जी अपना सारा सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं, और कुछ कपड़े हैं वो सब पैकिंग वगैरह हो गया, तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट लगाऊंगी। सब कोई जो है, जितने भी लोग पिंकी को देखते हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये पिंकी बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। अगर दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो सिंदूर किसके नाम की लगा रही है पिंकी, किसके नाम की लगा रही हो? फिर लोग बोलते हैं कि जब तू सोनू से विकास जी को अलग रख रही थी तो उस टाइम तुझे, मतलब तुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक कहानी तेरे ऊपर तो आज ने कल तो लागू होता ही होता, क्योंकि तू ऐसे शख्स से शादी किया था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे का बाप है, और तू ऐसी घटिया औरत थी कि एक बसा बसाया पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ा है, अलग किया है, वो बच्चे के सर से बाप का साया छीना है, वो पत्नी पति रहते हुए भी प्यार के लिए हमेशा तड़पी है, 14 साल से तड़प रही है। तो आज ने कल तो तेरे साथ ये होना ही था, मगर ये बिल्कुल झूठ है। विकास जी डिवोर्स नहीं लिए हैं। और एक कमेंट और भी आया था कि दीदी आपने ये वीडियो शूट नहीं किया, जब विकास जी आपसे इतना प्यार करते हैं और घर की जब पैकिंग, वो अपना कपड़ा लत्ता अपना सामान जब पैक कर रहे थे तो आपको बिना गले लगाए ही छोड़ के चले गए, उस टाइम आपने ब्लॉग शूट नहीं किया? यहाँ पे मैं लगाऊंगी स्क्रीनशॉट। तो सब लोग समझ गए हैं पिंकी बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। स्टार्टिंग में ही बोलती थी कि मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ विकास जी के साथ, क्योंकि जैसा मुझे सपोर्ट चाहिए था लोगों से, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ से नोटिस करिए कि सपोर्ट की बातें कर रही है, यानी इसको व्यूज चाहिए था, व्यूज। अब साथ में रह के तो व्यूज नहीं कमाई, हो सकता दोनों अलग अलग रह के, मतलब अलग अलग तो नहीं होंगे मगर कैमरे के लिए सिर्फ अलग अलग होंगे। तो अलग अलग कैमरा खुलेगा तो हो सकता व्यू जाए, उससे फिर इनकी डॉलर बने। समझ रहे हैं मेरा बात? पिंकी जो है व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी किया या क्या किया, ये तो पिंकी का इरादा जाने, मगर 99% लोग जो हैं सब समझ गए थे कि पिंकी नौटंकी बाज है, ड्रामे बाज है। विकास जी कभी इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। जब वो अपना सामान पैकिंग कर रहे थे तो उस टाइम तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाया? किस तरीके से वो गए, रोते हुए गए, हंसते हुए गए, तुम्हें गले नहीं लगाए, उस टाइम तुमने वीडियो क्यों नहीं शूट किया?
और आज की वीडियो में पिंकी जो है बहुत अच्छे से एकदम पूरा मेकअप वकअप करके वीडियो बना रही है और रो के दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर रोना निकला नहीं, क्योंकि वो ड्रामा था ना अंदर से। रियल जब होता है ना तो इंसान टूट जाता है। जो जो औरत के ऊपर रियल बीतती है ना कि मेरा पति हमारे साथ धोखा कर रहा है, मेरा पति हमें छोड़ रहा है, हम दोनों अलग होने वाले हैं, दोनों में इतना गहरा प्यार था कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। पिंकी ने खुद पहली वीडियो में बोली थी कंट्रोवर्सी जब शुरू किया था कि हम दोनों अगर अलग होंगे ना तो ना मैं जी पाऊंगी ना विकास जी जी पाएंगे। पिंकी सोनू अलग कर रही है, मगर यहाँ पे तो ये बेशरम औरत खुद ही अपने से अलग हो रही है। तो मेकअप करके वीडियो बना रही है, बोल रही है कि ये सब सारा सामान जो है पैकिंग हो गए। यहाँ पे एक बात और भी गौर करिएगा, एक कमेंट आया था सोनू के इंस्टाग्राम पे जिसमें सोनू से पूछा गया था कि दीदी जिसमें पिंकी अभी जिस फ्लैट में रह रही है, जिस घर में रह रही है, वो घर किसका है। सोनू ने बोला, सोनू बोली विकास जी के पहली पत्नी कि विकास जी का घर है। तो विकास जी का घर है तो विकास जी क्यों खाली करेंगे, क्यों खाली करेंगे? खाली तो ये बेशरम औरत को करना चाहिए ना, क्योंकि ये बेशरम औरत एक बसा बसा है पति पत्नी को अलग किया था, उस शख्स के लिए अपने परिवार को लात मारी, ऐसे शख्स के लिए अपने परिवार को लात मारी, अपने माँ बाप अपने पूरे मायके की फैमिली को लात मार दिया ऐसे शख्स के लिए कि जो शख्स ऑलरेडी शादीशुदा है। आप गांठ बांध लो, ऐसी औरतें जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकती जो औरत सब कुछ जानते हुए भी कि ये आदमी शादीशुदा है, जिस आदमी से मेरी शादी हो रही है वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, इसकी फैमिली है, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी वो शादी कर रही है, वो औरत जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकती। और रही बच्चे की हक की बात, तो तुम्हें क्या चीज़ का हक नहीं मिला? जहाँ पे तुम अभी रह रही हो विकास जी का ही घर है, तो तू बहुत बड़ी लालची है पिंकी, तू सोचती है कि यहाँ का भी घर ले लूँ और जहाँ सोनू रहती हो वहाँ का भी घर ले लूँ। मतलब सबसे होशियार औरत दुनिया में तू, मतलब पिंकी ही है सबसे बड़ा होशियार औरत, बाकी तो दुनिया की जितनी भी औरतें हैं ना सब बेवकूफ है। तो पिंकी इतनी ड्रामेबाज है, कर रही है दिवाली की सफाई और बोल रही है विकास जी पैकिंग हो गया, विकास जी का पैकिंग हो गया। कितनी बड़ी झूठी है, जब विकास जी तुम्हें डिवोर्स दे रहे हैं, जब दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो अब तुम किसके नाम की सिंदूर लगा रही हो? पब्लिक को, जनता को बताओ ना कि तुम किसके नाम की सिंदूर लगा रही हो। और इसकी फर्स्ट टाइम जो मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में ही इसकी बातें जो है ना लड़खड़ा के बाहर निकली है, क्लियरिटी इसकी बातों में नहीं है। बोल रही है कि अभी भी कुछ लोगों को ऐसा ही लगेगा कि विकास जी और हम साथ ही है। हाँ साथ है, ऐसे इस तरीके से बोल रही है, हाँ साथ, हाँ नहीं है साथ, मतलब इस तरीके से बोल रही है ना कि ये औरत खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही है, अपनी ड्रामा खुद लोगों को दिखा रही है कि ये ड्रामा कर रही है, ये रियलिटी नहीं है। पिंकी और विकास कभी अलग हो ही नहीं सकते, विकास धोखा दे ही नहीं सकता, जैसे 14 साल पहले रह रहा था वैसे अब भी रहने वाले हैं विकास और सोनू भी, ठीक है। मगर पिंकी जो है ड्रामेबाज औरत है, इसके माइंड में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है पब्लिक को पता चल गया है, इसको पब्लिक से व्यू चाहिए। और जिस तरीके से इसने ड्रामा और कॉन्ट्रोवर्सी शुरू करने की कोशिश किया था ना, सोच रही थी कि पब्लिक मुझे ही सराहना करेगी, मगर पब्लिक ने ऐसा इसको लात मारी कि वो अपनी औकात में खुद आ गई, मेकअप वकअप करके अब रोने की नाटक कर रही है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पिंकी जो है 14 साल से सोनू से उसका पति को छीन के रखा है, कभी जाने नहीं दिया, कभी गया भी कभी विकास जी मिलने भी गए सोनू से तो बीच में घुसने की कोशिश करती है। तो ये स्वार्थी औरत ना, मतलब इसकी दिल इतनी काली है ना कि ये सेल्फिश है, ये औरत जो है ना पिंकी सेल्फिश है, बहुत बड़ी सेल्फिश है। वो चाहती है दुनिया की हर खुशी मेरा बच्चा और मेरे को मिले, बस बाकी सोनू का बच्चा जाए भाड़ में, सोनू जाए भाड़ में,
सोनू से डिवोर्स करवाने के लिए विकास जी को, इसलिए इस तरीके के ड्रामा कर रही है। और सोनू का अपडेट है दोस्तों कि सोनू का तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी सोशल मीडिया पे कोई भी बात रखने के लिए सक्षम नहीं है। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।